गुजरात से इंदौर जा रही महासागर ट्रेवल्स की लग्जरी बस में मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने पिटोल चौकी स्थित बैरियर पर वाहन चेकिंग के दौरान 190 किलो 379 ग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए। पकड़े गए चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 76 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए चांदी के आभूषण गुजरात से इंदौर जा रही एक लग्जरी यात्री बस में बरामद हुए हैं। दरअसल ट्रैफिक सूबेदार कोमल मीना को मुखबिर से गुजरात से आने वाली लग्जरी बस में बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण या कैश की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नितिन जैन के निर्देश पर टीम ने जिले की गुजरात सीमा पर स्थित वाणिज्य कर बैरियर पर वाहनों की चेकिंग की, जिसके चलते अल सुबह महासागर ट्रेवल्स की डिक्की में 9 बैग से भरे 190 किलो से अधिक वजन के चांदी के आभूषण बरामद किए गए, जिन्हें गुजरात के राजकोट से रतलाम ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामले में रामेश्वर नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ पर वह केवल 14 लाख के बिल प्रस्तुत कर पाया है। पुलिस ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर आभूषणों की जब्ती की कार्रवाई कर मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से बड़े पैमाने पर लग्जरी बसों के माध्यम से टैक्स चोरी के गोरख धंधे को उजागर किया है। चेकिंग की जा रही है। इसमें श्रीमान ने कल मुझे आदेश दिया था कि आपको बैरियर पर चेकिंग करना है रात के 12 से सुबह के 5 बजे तक। मेरे और मेरी टीम के द्वारा रात को बैरियर पर 12 से 5 के बीच में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान राजकोट से इंदौर जाने वाली महासागर बस में चेकिंग जब उसकी डिक्की वगैरह खोली गई, उसमें चेक किया गया तो बोरियों में चांदी पाई गई और उसको उस व्यक्ति को बुलाने पर उसके द्वारा पूरे बिल प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए उसे चौकी पे लाया गया। लगभग 190 किलो चांदी है और उसकी लगभग कीमत 76 लाख रुपए है और उसके द्वारा 14,30,000 के बिल अभी तक पेश किए जा चुके हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है? उसकी जब्ती बना ली है और उसको सील पैक कर दिया है। अब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जैसा आदेश करेंगे, इनकम टैक्स संबंधी अधिकारी जो भी हैं उन्हें